राकेश। राकेश भाई ये बताइए, कितने लोगों के दल आप लोग हैं, व्यक्ति हैं जो पाइप के अंदर जाएंगे और मैनुअल ड्रिलिंग के काम को शुरू? हमारे पास छह आदमी की टीम है, छह आदमी की टीम है। ठीक है, जो इसको हेड आप कर रहे हैं? हाँ जी। किन किन औजार का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? गैती फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हिल्टी का मतलब थोड़ा प्रक्रिया बताइए, जो पाइप है 900 mm की, इसमें कैसे घुसेंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे, मशीन कौन कौन सी होगी और कैसे मलबे को निकालेंगे? मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा, बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। तो सिर्फ आप ही लोग अंदर जाएंगे या सेना के जवान भी मदद करेंगे आपको? नहीं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। आप जाओगे? हाँ जी। कब घुसोगे आप लोग? अभी जब तक वहाँ क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। जो तसला है उसमें कितना किलो मलबा एक बार में आएगा? एक तसले में कम से कम 5 से 6 किलो मलबा आएगा। और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो? ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ ब्लोवर जाएगा, ब्लोवर के साथ हवा देने वाला भी जाएगा, जो धूल उठती है उसके बाद एक खींचने वाला भी आएगा। ये बड़ा साहस का काम होगा इस काम को जब आप करना शुरू करेंगे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? प्रसादी लाल जी, आप भी अंदर जा रहे हो? हाँ जी। ठीक है, तो ये इस तरह की जो मशीनें रखी है, जैसे हथौड़ा हो गया, फावड़ा हो गया, गैंती हो गया, ये सब देसी जुगाड़ वाले औजार को लेकर जाओगे आप? नहीं, जो तो पत्थर के लिए, पत्थर फट जाएगा छोटा इतना बड़ा, तो उसके लिए जा रहा है, वो तो कस्सी गैंती से कम चलेगा। सवाल ये है कि आप लोगों के अंदर ये चल रहा है कि अंदर में फंसे मजदूर को जल्दी निकालना है? हाँ, निकालना। कम दिन हम लोगों भी फंस जाएंगे तो वे भी निकालेंगे, ये भी हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है? भाई तो बहुत भाई है। आप लोग तैयार हो अंदर जाने के? हाँ। जैतराम जी, आपका क्या नाम है? जैतराम जी। जैतराम जी ये बताइए, पाइप के अंदर जाने को तैयार हो आप? हाँ जी। ठीक है, हम जानना सिंपल ये चाहते हैं, औजार क्या क्या लेकर जा रहे हो आप? तसला फावड़े जल लेके जाएंगे। देसी जुगाड़ से काम होगा? हाँ। कौन छोड़ेगा, कौन मजबूत करेगा, ये तो आप करेगा, ये तो पतला घर से।